आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक सफलता अर्जित की गई है। हम लोग लगातार क्रिमिनल्स की सूची बना रहे थे और जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके विरुद्ध कैसे विधि सम्मत कार्रवाई की जाए ताकि उनको सज़ा मिले, और उसके बाद जमशेदपुर पुलिस में हो रही घटनाओं में काफ़ी कमी है, उसके लिए पूरी पुलिस की टीम प्रयासरत थी। उसी क्रम में बिष्टुपुर थाना के द्वारा दो जो हैबिचुअल थीप्स थे, जो बहुत सारे केसेस में आरोप पत्रित भी थे, उनके विरुद्ध एक केस हुआ था टिस्को कंपनी में चोरी करते हुए। उसमें 5 जुलाई 2023 को घटना हुई थी, 6 जुलाई 2023 को FIR हुई थी, और उसमें अनुसंधानकर्ता हैं ASI गुरदयाल सिंह मुंडा, जो बिष्टुपुर थाना में पदस्थापित हैं। इनके द्वारा काफ़ी त्वरित और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए 24 घंटे में चार्जशीट समर्पित किया गया था कोर्ट में। इसको पुलिस के लैंग्वेज में मुकम्मल आरोप पत्र भी बोलते हैं, ये आई थिंक बहुत रेयर होता है, ये इन्होंने समर्पित किया था। और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कोर्ट से लगातार फॉलो अप करके और इसको विद इन 35 डेज इसमें कन्विक्शन माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है। जैसा मैंने बताया कि 5 तारीख की घटना है, 5 जुलाई की, 6 जुलाई को FIR हुई, 7 जुलाई को चार्जशीट हुई, और कल यानी 10 अगस्त को इसमें माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है, जिसमें दोनों अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा और 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है। ये अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक काम है जमशेदपुर पुलिस के लिए, और इससे हमारे तमाम अनुसंधानकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इनके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इनको तत्काल 5,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत की जाती है, और साथ में मेरे द्वारा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, और आप लोगों को यह भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस प्रकार के कुल 42 हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो विभिन्न शीर्ष में यथा चोरी में, छिनतई में, गृहभेदन में, आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुके हैं, वैसे 42 हैबिचुअल ऑफेंडर्स की सूची बनी है विभिन्न थानाओं में। उसके लिए आज एक अभी बैठक भी की जा रही है, और उसमें भी हम लोग लगातार माननीय न्यायालय से संपर्क कर, मॉनिटरिंग कर, जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसको पूरा कर उन सभी 42 अभियुक्तों को कन्विक्शन कराने के लिए प्रयासरत है, और हमारा लक्ष्य है कि उनको भी आने वाले 1 महीने के अंदर सभी 42 अभियुक्तों को कन्विक्शन कराया जाए। और जो हमारे अन्य अनुसंधानकर्ता है उनके लिए भी हमने एक स्कीम लाई है कि जो भी अनुसंधानकर्ता इस तरीके का काम करते हैं, विद इन ए मंथ अगर कन्विक्शन इंश्योर कराते हैं माननीय न्यायालय से, तो उनको डिपेंडिंग ऑन किस धारा में कांड दर्ज कराया गया है उसके अनुसार 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 रुपये की नगद राशि से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू।